टुडेज टॉपिक इज अ न्यू टॉपिक. आज का जो हमारा विषय है वो नया विषय है. इट्स अबाउट लिविंग अ गिल्ट फ्री क्रिश्चियन लाइफ. कि हम कैसे एक बिना गिलानी का जीवन कैसे जी सके. व्हाट इज गिल्ट? गिलानी क्या है? गिल्ट इज समथिंग दैट्स इन द कॉन्शियंस ऑफ मैन. व्हेन यू हैव बैड कॉन्शियंस इन द हार्ट इन द स्पिरिट देन वी डेवलप गिल्ट व्हेन सिन इज नॉट डेल्ट विद. अगर हमारे मन में हृदय में कोई पाप है, कोई ऐसी बात है, तो फिर वो हमारा जो हृदय में वो हमारे मन में फिर एक गिलानी बनी रहती है. In Old Testament time, we read about David. पुराने नियम में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं. In Psalm 31, verse 10, in the NIV version, it's written. 31 उसकी 10वीं आयत में जो NIV version में उसमें ऐसा लिखा है. David writes, "My strength fails me because of my guilt." वो कहता है मेरी सामर्थ जो है मेरे अधर्म के कारण, मेरे इस गिलानी के कारण से कमजोर होती जा रही है. We all sin. Every human being sins. None of us can say we never sin. और हर एक मनुष्य गलती करता है. कोई ये नहीं कह सकता मैंने कभी गलती नहीं करी. But we have to deal with sin. We cannot go on sinning. और हमें इस पाप को देखना है, उसको संभालना है, उसको उसका इंतजाम करना है, क्योंकि हम लगातार पाप करते नहीं रह सकते. When sin is not dealt with, it leads to guilt. अगर हम अपने पाप का इंतजाम नहीं करते, उसको देखते नहीं है, तो हम फिर उसको गिलानी में चले जाते हैं. Not only we confess our sins, we are called to repent of our sins. ना केवल हम अपने पापों को मान लेते हैं, पर अपने पापों को हमें पछतावा भी करना उसका. Sometimes even after people repent of their sins, they still have guilt, unnecessarily guilt. और कई बार लोग पछतावा करने के बाद ही बेमतलब में अपने मन में गिलानी बनाए रखते. In the case of David, he lived much before Christ entered the world. और दाऊद जो था वो तो प्रभु यीशु मसीह से बहुत साल पहले इस संसार में रहा. And he writes, "My strength fails me because of my guilt." और दाऊद कहता है मेरी सामर्थ्य इसलिए कमजोर हो रही है क्योंकि मेरे मन में एक गिलानी है. Sin leads to guilt, guilt leads to weakness. और पाप जो है गिलानी को लाता है और गिलानी की वजह से हम कमजोर हो जाते हैं. And David also had guilt. और दाऊद के मन में भी गिलानी थी. And when he had sin and guilt, he tried to avoid God. और जब उसके मन में पाप था, गिलानी थी, तो वो परमेश्वर को से दूर होने लगा. It is one thing we should never do. ये ऐसा काम है जो हमें कभी नहीं करना चाहिए. We should face up to God. हमें परमेश्वर का सामना करना चाहिए. But David lived in the Old Testament time. पर दाऊद जो था पुराने नियम के समय में जिया. In Psalm 32 verses 1 to 5 he writes. भजन 32 1 से 5 में आयत में वो लिखता है. Blessed man whose transgressions are forgiven and sins are covered. क्या ही धन्य वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसके पाप ढांपा गया हो. Blessed man whose sin the Lord does not hold against him and whose spirit there is no deceit. क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके धर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो. Verse 3 to 5 he writes. और 3 से 5 की आयत में लिखता है. When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. कहता है जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं. For day and night your hand was heavy upon me. क्योंकि दिन और रात तेरा हाथ में के नीचे मैं दबा रहा. My strength was sapped as in the heat of summer. और मेरी तरावट धूप काल किसी झुराहट में बदलती गई. Then I acknowledge my guilt to you. और जब मैंने अपने पाप को जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया. Did not cover up my iniquity. और अपने अधर्म को ना छिपाया. I said I'll confess my transgressions to the Lord and you forgave the guilt of my sin. और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अधर्म को मान अपराधों को मान लूंगा. तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया. He had committed sin, he had guilt, he tried to avoid God, he tried to keep quiet. उसने पाप किया, उसके मन में गिलानी आई और उसको अपने मन में रखा रहा और परमेश्वर के सामने उसको नहीं गया. His hand was heavy upon me. वो कहता है परमेश्वर का हाथ मुझ पे भारी रहा. My strength was sapped as in the heat of summer. और जैसे धूप काल में मुझुरियां पड़ जाती हैं, वैसे मेरी सामर्थ मुझ पे से निकल गई. Then he faced up to God and confessed his sin. और फिर उसने परमेश्वर के पास गया, अपने पापों को माना. And the Lord, his Lord, forgave the guilt of his sin. और उसके परमेश्वर ने उसके सारे अधर्म को, उसकी गिलानी को हटा दिया. That's when first two verses is how blessed I am. इसलिए वो पहली दो आयत में तक कहता है क्या ही धन्य है मैं हूँ. And the Lord does not hold his sin, my sin against me. क्योंकि परमेश्वर मेरे पाप का लेखा मुझसे नहीं लेता. One very important thing to understand is that the Lord that David called upon in the Old Testament time was actually the coming Christ. और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जो दाऊद ने जिस परमेश्वर के सामने अपने पापों को माना वो प्रभु यीशु मसीह था जो आने वाला था.
David was a man after God's own heart. और दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति था. In the heart of God, there was a plan to send the Messiah, which plan was conceived even before man sinned. और परमेश्वर के मन में ये बड़ी योजना थी कि वो अपने पुत्र को यीशु मसीह को भेजेगा. ये उस समय जब योजना बनाएगी जब मनुष्य ने पाप भी नहीं किया था. Because David was a man after God's own heart, he knew in the heart of God this plan is there. और दाऊद क्योंकि परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति था इसलिए अपने मन में जानता था कि परमेश्वर की ऐसी योजना है. How when the Messiah comes, he will deliver mankind from all sin. कि जब मसीह आएगा तो कैसे सारे मनुष्य को उनके पापों से छुड़ाएगा. So he called upon the Christ before the Christ entered the world. इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए. How do you know that David called upon the coming Christ? आप कैसे कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आने वाले मसीह यीशु मसीह को पुकारा? When the Lord Jesus entered the world, at one point of time, he asked the Pharisees a question. जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो एक समय उन्होंने फरीसियों से एक प्रश्न पूछा. 22nd chapter of Matthew from verse 41. मत्ती 22वां अध्याय से 41वें आयत से हम आगे देखते हैं. What do you think about the Christ? Whose son is he? उनसे पूछा कि मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? वह किसकी संतान है? And the Pharisees said the son of David. और उन्होंने कहा कि वो दाऊद की संतान. Then Jesus says, then how is it that David, speaking by the Holy Spirit, calls him Lord? फिर दाऊद ने उनसे पूछा कि फिर वो कैसे हुआ कि प्रभु उससे कहा कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिने हाथ तू मेरा मेरी संतान है. And Jesus quoted Psalm 110 verse 1 that David writes. और भजन 110:1 में आयत पर यीशु मसीह ने उस आयत को बोला. The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make enemies a footstool for your feet. मेरे प्रभु ने यहोवा की वाणी ये है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना बना दूं. If David calls him Lord, how can he be his son? जब दाऊद उसको परमेश्वर कह रहा है तो वो उसका बेटा कैसे हो सकता है? So actually the one whom David called his Lord, he called upon was actually the Christ. तो दाऊद ने जिसको पुकारा वो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह थे. The Lord said to my Lord, who's my Lord? Christ. और प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा वो मेरा प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह. So before Christ entered the world, in the context of sin and guilt, David called upon the Christ and he was healed of his sin and guilt. और प्रभु दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह को जब उसके मन में गिलानी थी पाप था उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और वो उस पाप और गिलानी से चंगाई पा सका. When Christ entered the world and was given the body of flesh and blood, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो उनको एक देह मिली जिसमें मांस और लहू वाली देह. This flesh and blood body was given to him for him to come and live to be sacrificed on the cross. और ये देह उनको इसलिए मिली कि वो संसार में आके जिए और अपने अपने आप को क्रूस पे कुर्बान करे. And after living a sinless life, और एक निर्दोष जीवन जीने के बाद, you know, he was crucified on the cross, his body was broken and blood shed for the sins of the whole world. क्रूस पे उन्होंने उनको मारा गया तोड़ा गया उनकी बॉडी को उनके शरीर को तोड़ा गया ताकि वो सारे संसार के जो पाप हैं उसके लिए अपना लहू बहा सके. And the fact that there's forgiveness in him was prophesied by every prophet in the Old Testament. और प्रभु यीशु मसीह में उद्धार है और उसके द्वारा से हमें उद्धार मिलेगा हर एक जो नबी हुआ उसने इसके बारे में लिखा. Forgiveness of sins is in him, every prophet prophesied. हर एक भविष्यद्वक्ता ने यह बताया कि लहू के द्वारा से उद्धार होता है लहू बहाए जाने से. And when the apostle Peter spoke to the household of Cornelius in Acts chapter 10 verse 43. और प्रेरितों का 10वां अध्याय 43 आयत में जब प्रेरितों का वो पौलुस जो है कॉर्नेलियस के परिवार से बात करता है पत्रस. He says all the prophets testify about him that everyone who believes in him will receive forgiveness of sins through his name. वो कहता है पत्रस कहता है कि उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी. David called upon the Christ even before he entered the world. And he was healed of sin and guilt. दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह को इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया पुकारा और वो अपने पाप से और गिलानी से मुक्ति पा चुका पा सका. They, after he's come and died for us on the cross, और अब जो प्रभु यीशु मसीह हमारे समय में आके क्रूस पे हमारे लिए अपनी जान दे दी. By faith in the blood of Christ, all of our sins have been cleansed completely. और विश्वास से प्रभु यीशु मसीह में हमारे सारे पाप जो है पूरी तरह से क्षमा हो जाते हैं.
In fact, David says his sins were covered Old Testament time. और दाऊद तो कहता है मेरे पापों को ढांक दिया गया पुराने नियम में. New Testament is not covered, it's cleansed. पर नए नियम में वो ढापा नहीं गया, वो धो दिया गया, साफ कर दिया गया. In 1 John 1:7 is written. पहला यूहन्ना 1:7 में ऐसा लिखा है. If you walk in the light as he is in the light, we have fellowship with each other and the blood of Jesus cleanses us of every sin. और यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है. Sin contaminates the heart. पाप जो है हमारे हृदय को दूषित कर देता है. Or the spirit of man, it contaminates. और हमारे मनुष्य की जो आत्मा है उसको दूषित कर देता है. That's why we have a guilty conscience. और इसीलिए हमारे पास एक दोष वाला विवेक हो जाता है. But by faith in the blood of Christ, that sin in the spirit has been cleansed, removed completely. पर यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करने के द्वारा से वो जो पाप है वो पूरी तरह से धुल जाता है. Hebrews chapter 10 verse 14 says. पुरानियों 10वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में ऐसा लिखा है. By one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy. उसके क्योंकि उसके एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है. In the book of Hebrews chapter 10 from verse 19 we read about New Testament believers. और हिब्रानियों 10वें अध्याय उसकी 19वीं आयत से आगे जो नए नियम के विश्वासी हैं उनके लिए लिखा है. Since we are conferenced to enter the most holy place by the blood of Jesus. So, भाइयों जब हमें यीशु मसीह के लोगों के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याब हो गया है. By a new and living way open for us through the curtain. और जो उसके पर्दे अर्थात उसके शरीर में होकर उसके लिए अभिषेक किया है. That is his body. उसका देह है. Let us draw near to God. इसलिए हम उसके नजदीक आ जाएं. With a sincere heart. शुद्ध विवेक से सच्चे मन से. With full assurance of faith. पूरे विश्वास की दृढ़ता से. Having hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience. ताकि अपने हृदयों को उसके लहू से छिड़कवा करके एक शुद्ध विवेक से उसके पास आ सके. Heart sprinkled means by faith sprinkled by the blood of Jesus. हृदय पे छिड़का मतलब हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़का रहा. We have been cleansed from a guilty conscience by that blood shed once and for all 2000 years ago. और उस शुद्ध दोषी विवेक से हम पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं उस लहू से जो 2000 साल पहले क्रूस पे चढ़ाया गया पूरी तरह से. This forgiveness has to be received by faith. और ये जो माफी है ये हमारे को विश्वास से उसको स्वीकार करना है. God has done his part to cleanse us of every sin. He has done it. परमेश्वर ने तो अपना काम पूरा कर दिया, उसने हमारे सारे अधर्म को क्षमा कर दिया. We must receive forgiveness. हमें उसको स्वीकार करना ये हमारा काम है. And our responsibility also is that as we confess our sins, we have to repent of the sins. और हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि जब अपने पापों को मांगते हैं तो हमें उन पापों का पछतावा भी करना है. In repent and believe in Jesus, we know our sins in the spirit have been cleansed. अपने पापों को मांगते हैं तो अपनी आत्मा में हम जान जाते हैं कि हमारे पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया. When God forgives, he chooses to forget. जब प्रभु क्षमा करता है तो वो हमारे को उस पापों को भूल भी जाता है. In Jeremiah 31:34 through Jeremiah God prophesied. यर्मिया 31 उसकी 34वीं आयत में यर्मिया भविष्यवाणी करते हैं. He spoke about a new covenant he's going to make with mankind. वो जो मनुष्य ने मनुष्य के साथ जो नई वाचा बांधेंगे उसके बारे में वर्णन करते हैं. He says in verse 34 Jeremiah 31:34 और यर्मिया 31:34 में वो कहते हैं. I will forgive their sins and remember their sins no more. मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा. When God has chosen to forget our sins, we must forget our sins when we repent. जब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है तो हमें भी चुनना है, समझ लेना है, ये चुनाव कर लेना है कि हम अपने पापों को दोबारा स्मरण नहीं करेंगे. If we remember our sins, we're going to have a guilty conscience. अगर हम अपने पापों को स्मरण करते रहेंगे तो हमारे विवेक जो है दोषित हो जाएगा. We keep on thinking about the past and the wrong things that we did, we'll have a guilty conscience, definitely. और हम अपने पुराने जो पाप हमने किए गलती के उनको याद करते रहेंगे और हमारा विवेक जो है वो पूरा गिलानी से भर जाएगा. In fact, even in Isaiah 43:25, the Lord says, 43 उसकी 25वीं आयत में प्रभु कहते हैं, I who cleanses of your sin, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ. And I remember your sins no more. और मैं तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा. He said, I'll forgive your sins and remember your sins no more for my own sake. मैं अपने नाम के निमित्त मैं तुझे तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और उसको स्मरण भी नहीं करूंगा.
The psalmist writes in Psalm 130 verse 3. भजन 130 उसकी तीसरी आयत में भजन लिखने वाला लिखता है. Remember this Old Testament time. और ये से याद रखिए सब पुराने नियम की बातें हैं. Where it writes, if you, O Lord, kept a record of sins, who can stand before you? But with you there is forgiveness, therefore you are feared. वो कहता है या यदि तू धर्म का कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता है परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए. So God has today forgiven us sins completely on the cross. प्रभु ने क्रूस पे हमारे सारे पापों को माफ कर दिया. He has cleansed our spirits of every sin, though in the spirit there is no guilt. और हमारी आत्मा को हर एक गिलानी से उसने शुद्ध कर दिया है. हमारी आत्मा में कोई गिलानी नहीं है. And when he is forgiven, he chooses to forget it. और जब उसने माफ कर दिया तो उसने ये भी चुन लिया कि उसको भूल जाए. Therefore, for us to have a guilt-free life, we must also forget our sins. इसलिए हम भी अगर हम एक दोष मुक्त विवेक के साथ जीना चाहते हैं तो हम अपने पापों को स्मरण ना करें. The only time we remember our sins is to testify to people about how even though I was once a sinner, I did this, but he has cleansed me and I know I am free of guilt. और एक ही समय जब हम अपने पापों को स्मरण कर सकते हैं वो है जब हम दूसरों को गवाही देते हैं कि मैं ऐसा पापी था और प्रभु ने मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया जब मैंने अपने पापों को माना. Like how the apostle Paul wrote to Timothy and Titus about his past life. जैसे तिमोथी और तीतुस को पत्रस लिखता है कि मैं कैसे पहला जीवन बिताता था. In 1 Timothy chapter 1 verse 39 onwards. तीमोथी पैसा पहला अध्याय 13वीं आयत से आगे पॉलस लिखते हैं. Also Titus chapter 3 verse 3 to 7. और तीतुस तीसरा अध्याय 30 आयत से 7वीं आयत तक. And Timothy and Titus spoke about his past life, how even though he was like that, the Lord has cleansed him and healed him and by his grace and mercy saved him. पॉलस लिखता है कि कैसे उसका पुनः उसका पहला जीवन कैसा था और कैसे प्रभु ने उस पर दया करी उसके अनुग्रह के कारण से वो बच गया. But we should never remember our past in a negative way. हम अपने विवेक अपने पुराना जो बीत गया उसको याद करना है नहीं कभी याद नहीं करना चाहिए उसको हमें कि हम उसको नकारात्मक रीति से कभी याद ना करें. Isaiah chapter 43:18-19 says. God says. 43:18-19 में लिखा है. Forget the former things. Don't dwell in the past. वो कहता है पुरानी बातों को भूल जाओ उसको उसी बातों में मन ना लगाओ. I am doing a new thing. कहता है देख मैं नई बात करता हूँ. Now it springs up. वो अभी प्रगट होगी. Do you not perceive it? तो तू उसे अनजान ना रहे. I am making a way in the desert and streams in the wasteland. मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा. When we live in the past, we can't even recognize God's work in the present. जब हम पुराने समय में ही अपने जीवन को जीते रहते हैं तो परमेश्वर का जो नया काम हमारे जीवन में अभी हो रहा है उसको हम पहचान ही नहीं पाते. So today in the New Testament time, तो हम जो नए नियम के समय में रहते हैं, when we have some sin, we should repent of it. After repenting and asking God for his forgiveness and thanking for his forgiveness, don't remember that. हम जो अपने पापों को मान लेते हैं और एक बार जब प्रभु हमें क्षमा कर देता है तो हमारे को परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और उनको दोबारा स्मरण नहीं करना चाहिए. And we receive that forgiveness by faith, not by feeling. और ये जो हमें माफी है विश्वास से मिलती है ये अपने अनुभव से या कोई अनुभूति से नहीं मिलती. Every gift of God received by faith. हर एक परमेश्वर की जो आशीष हमें मिलती है वो विश्वास से मिलती है. And we thank God for the fact that not only healed us of our sin, also the guilt of sin. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना है देते हैं कि ना केवल उसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया पर उसकी जो गिलानी थी उसको भी हटा दिया. It's a past sins. पापों की बात है. What about today? पर अभी की क्या बात है वर्तमान. When we sin today, what happens? अगर हम अभी वर्तमान में पाप करते हैं तो क्या होता है. How does God deal with our sin of today? आज के पापों के लिए प्रभु हमारे साथ कैसे बर्ताव करते हैं. The Holy Spirit convict us of sin today. पवित्र आत्मा जी हमारे पापों की हमें याद दिलाती है हमें उसका अनुभव कराती है. He'll convict us today. He'll show us that we are sinning against God. वो हमारे को ये दिखाती है कि तुमने उसकी उसकी अनुभूति कराती है. And there's no condemnation, only conviction. और उसके लिए कोई हमारे को सिर्फ वो ये दिखाती है कि तुमने पाप किया उसके लिए हमारे को दोष नहीं लगाती उस पे. When he convicts a Christian of sin, he will produce in the Christian a godly sorrow. एक मसीह को जब पवित्र आत्मा जी पाप दिखाती है तो उसके अंदर एक एक आत्मिक एक परमेश्वर का दुख उसके मन में आता है. 2 Corinthians 7:10 says. दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है. Godly sorrow brings repentance and leads to salvation and leaves no regret.
क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। Worldly sorrow brings death. पर संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। Guilt leads to worldly sorrow. और ये जो गिलानी है ये संसारिक शोक की तरफ हमें ले जाती है। Conviction of the Holy Spirit leads us to godly sorrow. पर परमेश्वर की ओर से जो हमारे को गिलानी मिलती है वो पछतावा होता है, वो हमारे को एक परमेश्वर की ओर से हम उसमें परमेश्वर की ओर से दुख मिलता है हमारे। Today when we sin, the Holy Spirit convicts us. We have a godly sorrow that makes us repent and leaves no regret. There's no regret. If you have a regret, then it is a guilty conscience. तो जब परमेश्वर की आत्मा हमारे को पाप दिखाती है, हमारे मन में एक परमेश्वर की ओर से दुख आता है, पछतावा आता है, हम अपने पापों को मानते हैं, शुभ उससे पवित्र हो जाते हैं, पर अगर हमारे मन में फिर भी वो गिलानी रहती है तो इसका मतलब हमने संसारी शोक किया है। Holy Spirit always convicts us, he'll never condemn us. पवित्र आत्मा जी हर समय हमारे को पाप दिखाएगा पर हमारे को कभी दोष नहीं लगाएगा। The evil one will condemn us. जो दुष्ट है वो हमारे पे दोष लगाता है। He will try to put a worldly sorrow in us. और वो चाहता है कि हमारे जीवन में एक संसारिक शोक आ जाए। Worldly sorrow is because of guilt. और इस संसारिक शोक जो है वो सिर्फ हमारी गिलानी के कारण से आता है। And Paul writes, worldly sorrow leads to death. What is death? Death means separation. और पौलुस कहता है कि संसारिक शोक जो है मृत्यु को लेकर आता है। मृत्यु क्या है? अलगाव। When you have a worldly sorrow, till such time you repent and get back to God. In the meantime, you are cut off from God. You don't feel like praying. You don't feel like talking to God. जब हम पाप करते हैं और जब तक हम पछतावा नहीं करते उसके लिए, मानते नहीं उस पापों को, छोड़ते नहीं, तब तक हमारे हम परमेश्वर से अलग हो जाता है। हमारे को प्रार्थना करने का दिल नहीं करता, वचन पढ़ने का दिल नहीं करता। Going back to David, when David had sin and guilt, he tried to avoid God. दाऊद के बारे में भी देखते हैं, जब उसके मन में ये गिलानी थी वो परमेश्वर से दूर रहने की कोशिश करने लगा। Then he faced up to God. परमेश्वर का सामने गया। When he was away from God, God's hand was heavy upon him. His strength was sapped as in the heat of summer. और जब वो परमेश्वर से दूर रहा उसकी सामर्थ्य उससे दूर जो होगी खत्म होने लगी, ऐसा हो गया जैसे धूप में मुरझा गया हो। But when he faced up to God, he is thanking God for the fact that he healed him of the guilt of sin. He forgave the guilt of sin. जब परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर ने उसके पाप क्षमा, और वो परमेश्वर का धन्यवाद देता है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी इस गिलानी को भी, मेरे पाप की, उसको दूर कर दिया। Today when we do something wrong, आज हम जब कुछ गलत करते हैं, you will want to try to put in us a condemnation. There's no condemnation for those in Christ. दुष्ट जो है हमारे पे दोष लगाने की कोशिश करता है, पर जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पे कोई दोष नहीं लगा सकता। Romans chapter 8 verse 1 says there is therefore no condemnation for those in Jesus Christ. Who walked on according to the flesh, but according to the Spirit. और रोमियो 8:1 में लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। For the law of the Spirit of life has set us free from the law of sin and death. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। Again, people ask me, 2000 years back Jesus died for our sins. I am sinning today. How can today's sin be removed 2000 years ago? और लोग भाई से पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो 2000 साल पहले मृत्यु होगी, मैं तो अभी पाप कर रहा हूं, तो मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले कैसे मेरे पाप के लिए मर सकते हैं? He forget that Jesus rose again on the third day. He's at God's right hand interceding for us. ये भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं और वो पिता के दाहिने हाथ में हमारे लिए मध्यस्थ का काम कर रहे हैं। Therefore it says in Hebrews 7:25, इसलिए लिखा है हिब्रानियों 7:25 में, He is able to save completely those who come to God through Him. इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उन पर पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। Because He always lives to intercede for them. क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। In 1 John chapter 2 verse 1 is written. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है। My dear brothers, I write this so that I will not sin. हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। But if anybody does sin, be a one who speaks to the Father in a defense. Jesus Christ is one. और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक प्रभु यीशु मसीह। So our past sins are forgiven and forgotten. So we should thank God for forgiveness and forget our sins, past sins. तो अगर हमारे जो पुराने पाप हैं उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसने परमेश्वर ने हमारे पाप को क्षमा कर दिया, हटा दिया। Today we do something wrong, in thought, word, or deed, immediately repent. और अगर अब भी वर्तमान में हमसे कोई गलती जाती है, पाप कर देते हैं, तो हमें पछतावा करना चाहिए, उस गिलानी को दूर कर देना चाहिए।
and don't listen to the condemnation of the devil, the accuser of accusations of the devil. और शैतान जो हम पे दोष लगाता है उसकी तो बिल्कुल भी ना सुने। In the book of Revelation, chapter 12, verse 10 is written. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है। The accuser of the brethren accuses them before God day and night. क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने पर दोष लगाता है। Actually, the word Satan literally means accuser. शैतान जो शब्द है उसका मतलब ही यही होता है दोष लगाने वाला। In Job chapter 1 verse 6, read the word Satan mentioned there. अय्यूब पहला अध्याय उसकी छठी आयत में हम देखते हैं अय्यूब की शैतान शैतान का नाम पहली बार आता है। And if you look at the there be A B C D next to that word Satan in the Bibles and the footnote if you read it will say accuser. और सात और आठवीं आयत में भी ये लिखा है शैतान के बारे में और अगर आप उसके नीचे जो लिखा हुआ उसमें पढ़ें तो शैतान के आगे लिखा हुआ है दोष लगाने वाला। So his job is to accuse us when we do something wrong today. तो शैतान का काम यही है कि हमसे कुछ गलती हो जाए तो हम पे दोष लगाए। How to deal with that? क्या करना है? Verse 11, Revelation 12, 11. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। It says, they overcame him by the blood of the lamb and by the word of our testimony. वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। Why the accuser accuses before God and accuses us also to us? और जब दोष लगाने वाला परमेश्वर के सामने हम पे दोष लगाता है, How does he do that? He puts guilt in us. वो हम पे कैसे दोष लगाता है? वो हमारे अंदर गिलानी लेके आ जाता है। A guilty feeling that makes motivates us to stay away from God, not face up to God. और जब गिलानी हमारे हृदय में आ जाती है, तो हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है कि हम परमेश्वर से दूर रहने लगते हैं। But we overcome the devil by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. पर हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं मेमने के लहू के कारण से और अपनी गवाही के वचन के कारण। What does it mean, the word of our testimony? गवाही के वचन का क्या मतलब है? It's testifying to what the blood of Christ has done for us in the context of sin. ये इस चीज की गवाही देना होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप के लिए क्या किया। We testify about that even to the devil. हम शैतान को भी इसकी गवाही देते हैं। We overcome him by the fact that the blood has been shed for us. We are made perfect. And there's nothing called perfect perfection. We're all made perfect by His blood. और हम शैतान को भी गवाही देते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से शुद्ध हो गया हूं और बिल्कुल सिद्ध हो गया हूं और सिद्ध हो गया हूं पक्का। Just once and for all done on the cross. और ये क्रूस पे एक बार के लिए अनंत काल के लिए मेरे लिए हो चुका है। Our sins were nailed to the cross. हमारे पाप क्रूस पे ठोक दिए गए। So because we have the amazing grace, we choose to live for the Lord. Now and then we might sin, but the grace of God will enable us to say no to temptation. और ये हमारे लिए परमेश्वर ने किया कि हमारे पापों को उसे क्षमा कर दिया, हमारे जीवन से गिलानी को हटा दिया और हमारे अंदर ये विवेक डाल दिया कि अगर पाप अब सामने आता है तो हम उसको मना कर देते हैं। And therefore we thank God for that grace and for the fact that He has forgiven us and forgotten our sins and today is interceding for us. और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, उसको स्मरण भी नहीं करता और वो आज लिए मेरे लिए आज मध्यस्थ का काम कर रहा है। So once we do something wrong today, please don't waste time repenting. Immediately repent and call upon Jesus' name. तो अगर हमारे हमसे कोई गलती आती है तो समय बर्बाद ना करें, एकदम से प्रभु के पास जाएं, पछतावा करें और उसको छोड़ दें। When the accuser accuses before God, जब दोष लगाने वाला परमेश्वर के सामने हम पे दोष लगाता है, it's like a court case that we are under trial and the public prosecutor is accusing us. एक कोर्ट के केस की तरह होता है जहां हमारा तो न्याय होना है और जो दोष लगाने वाला है वो हमारे पे दोष लगा रहा है। And on the other hand, we have the defense advocate in 1 John 2:1 who defends us before the Father. और पहला यूहन्ना 2:1 के अनुसार हमारा एक वो वकील है जो हमारी 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 रक्षा करने वाला, हमारी समार को बचाने वाला वकील वो प्रभु यीशु मसीह वहां पे है। On one side the accuser, the other side defense advocate. एक तरफ तो दोष लगाने वाला शैतान है, दूसरी तरफ हमारा बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। And the defense advocate has only one insurance against our sin, his blood. और जो बचाने वाला वकील है उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो उसका लहू है जो हमारे को बचा सकता है। Enough to make us acquitted. और वो ही काफी है हमारे को दोष मुक्त करने के लिए। And the interesting thing is that the judge is going to vacate the judgment seat, it will be occupied by the defense advocate. और सबसे मजेदार बात यह है कि जो वकील, जो न्यायाधीश है वो अपनी कुर्सी छोड़ देगा और जो हमारा बचाने वाला वकील है वो उस कुर्सी को ले लेगा। In John chapter 5 verse 22 is written, यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में ऐसा लिखा है,
Moreover, the father judges no one. पिता किसी का न्याय भी नहीं करता. He has entrusted all judgment to the son, that all may honor the son and honor the father. परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, इसलिए कि सब लोग उसके पिता का आदर करते हैं. So the judge is going to be Jesus. तो जो न्याय करने वाला है, न्यायाधीश, वो प्रभु यीशु मसीह होगा. What will happen in a court case when the defense advocate becomes the judge of the same case? क्या होगा एक वकालत में जहां पे बचाने वाला वकील ही न्यायाधीश बन जाए? Very interesting, you will find when the apostle spoke primarily to a non-Christian audience. और बड़े बड़े मजेदार बात है कि जो जब जो प्रेरित थे, जब ये अन्य जाति लोगों से बात करते थे, they also spoke of Jesus as a judge. वो यीशु मसीह को एक न्यायाधीश के तौर पे बताते थे. When Peter spoke the household of Cornelius, जब पत्रस ने कर्नेलियस के परिवार से बातचीत करी, or told about how the further verse he says, all the prophets testify that everyone believes in him will have forgiveness of sins. वो कहते सारे भविष्यद्वक्ता इस बात की वाइ देते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा. The previous verse, 42nd verse, he tells them the household of Cornelius. और 42वीं आयत में वो एक बात कहता है. He has commanded us to preach to the people and to testify that he is the one who is going to be the judge of the living and the dead. और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों को प्रचार करें और गवाही दें कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है. What Peter is saying is, Jesus commanded Peter and other apostles to tell the people Jesus is the judge of the living and the dead. और पत्रस यहाँ पे कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने और दूसरे पत्रस को और दूसरे भविष्यवक्ता को बताया कि लोगों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह सबका न्यायी है. Again, when Paul spoke to the Greeks in Athens, both Gentiles, both Cornelius household as well as Gentiles in Athens. और उस बाद में जब कर्नेलियस के परिवार और दूसरे जो अन्य जाति एथेंस में रहने वाले थे उनको बोलता है. In Acts 17:31, प्रेरितों काम 17 उसकी 31वीं आयत में, he says, God has set a day when he'll judge the world with justice by the man is appointed. क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिससे वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म के से जगत का न्याय करेगा. He has given proof of this by raising him from the dead. Proof of this to all men, raising him from the dead. और उसने इसको ठहराया है उसे मरे हुए में से जिला करके, ये प्रमाणित कर दिया उसने. Today, the Lord Jesus Christ is the savior of the whole world. अब आज जो है प्रभु यीशु मसीह सारे संसार का उद्धार करता है. He comes the second time, he will come as the judge. आएंगे तो न्याय के तौर पे आएंगे. So what will happen when the defense advocate becomes the judge? We are acquitted. तो क्या होगा जब बचाने वाला वकील ही न्यायाधीश बन जाए, तो होगा क्या? वो हमारे को बचा देगा. All the things make us more, motivate us to actually obey God and enjoy this new relationship with God. ये सारी बातें हमारे को प्रोत्साहन देती हैं कि परमेश्वर की आज्ञा माने और जो बातें उसने हमारे रखी उसका आनंद उठाएं. Don't let guilty thoughts occupy your mind. ये दोष वाला विवेक जो है वो हमारे मनों को कब्जाने ना पाए. We treat guilty thoughts the same way we treat a sinful thought, anxious thought, discouraging thought, worldly thought, bitter thought. Same way we treat them. Rebuke them in the name of Jesus. और ये सारे जो विचार हैं, चिंता वाले विचार, अधर्म के विचार और निराशा करने वाले विचार और गिलानी आत्मगिलानी वाले विचार, इसको हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में डांट के हटा देते हैं. These thoughts, the source of these thoughts is the devil. और ये सारी बातें जो हैं, ऐसे विचार जो हैं, इनकी शुरुआत होती है शैतान से. Don't listen to the devil. शैतान की सुने ही ना. Thank the Lord for his forgiveness. Not only he forgives us, he draws out of unrighteousness. इसलिए क्योंकि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि ना केवल हमें माफ करता है पर हमारे को उस अधर्म से निकाल भी लेता है. 1 John 1:9 says, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है. John writes, यूहन्ना लिखता है, If we confess our sins, he is faithful and just. यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सबसे दूर करने विश्वास योग्य है. He'll forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. वो हमें शुद्ध करेगा और हमारे सारे हमारे को धर्मी बना देगा. Oh, the devil will not give up trying to accuse us. पर ये शैतान जो है हम पे दोष लगाना छोड़ेगा नहीं. Past we have forgiven, God's forgiveness and forgotten. पुराने पापों को परमेश्वर ने माफ कर दिया है, भूला दिया है. The present sins we call upon His name again, there's no guilt. अभी जो वर्तमान के हमारे पाप हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, उसमें फिर कोई गिलानी नहीं है. Then the devil will say, okay. How many times you said sorry to God again or done it? You may again do it.
और शैतान कहता है अच्छा ठीक है तूने माफी मांग ली पर तू फिर दोबारा भी करेगा इस बात को फिर How many times just commit the same sin? What's the guarantee you will not continue? और तू कितनी बार ये पाप कर सकेगा आगे क्या गारंटी है कि तू आगे से ये इस काम को नहीं करेगा Well, then the guarantee is Jesus will purify me from all unrighteousness. हमें उसको बताना है कि मेरे पास ये गारंटी है कि प्रभु मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे अधर्म को क्षमा करेगा Because God works in me, He will never give up working in me. क्योंकि प्रभु मुझ में काम करता है मुझ में काम करना कभी नहीं छोड़ेगा Philippians 2:13, God is at work in us to will and to act according to His good purpose. फिलिपियों 2:13 में लिखा है कि प्रभु जो है क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त हमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है We are the workmanship of God. हम प्रभु के काम काम की हम, उसने हमें बनाया है Ephesians 2:10, we are the workmanship. He's still working in us. He never gives up on us. इफिसियों 2:10 के अनुसार हम उसके काम किए हम उसके भले उसके सिरजे हुए हैं और वो हमारे अंदर अपने काम को कभी भी हरदम करता रहता है They will use people to come and discourage us. और शैतान तो पर लोगों का प्रयोग करता है कि हमारे मन हमारे जीवन में आए हमें निराशा करे Or keep on doing same thing. What's the guarantee you come out of it? I don't believe you'll change. You tell them, I am not today what I was yesterday. I will not be tomorrow what I am today. तो कहते हैं कि तू ये काम करता रहता है और तो क्या गारंटी है तू आगे नहीं करेगा तो हमें बताना है कि मैं जो पहले था अब नहीं हूं और जो अब हूं वो आगे और भी वैसा नहीं होऊंगा God will change me. प्रभु मुझे बदल देगा We trust in God to change us, not our own strength to change us. हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो हमें बदलेगा अपनी सामर्थ्य विश्वास नहीं करते कि हम बदल जाएंगे 1 John 3:9 says no one born of God will continue to sin because God's seed remains in him. पहला यूहन्ना 3:9 में लिखा है कि जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करेगा क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा वो पाप कर ही नहीं सकता He cannot go on sinning because he is born of God. और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर का जन्मा हुआ है Now the opposite of guilt is peace. और इस आत्मगिलानी का दूसरा है शांति When you have guilt, you feel cut off from God. जब हमारे मन में गिलानी होती है तो हमें ऐसा महसूस होता है हम परमेश्वर से अलग हो गए What is peace? Oneness with God. पर शांति क्या है? परमेश्वर से हमारा मेल हो जाना. When we avoid God and we tend to get into corner and sulk, and then we feel cut off from God. जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो हम एक कोने में बैठ के मुंह बना के बैठ जाते हैं, और हमारे अंदर जो है परमेश्वर से दूर हो जाते हैं. That oneness is disturbed. और जो एकता हमारी परमेश्वर से होनी चाहिए, वो दूर हो जाती है. When you know that His blood has cleansed us, we again restored to Him, and He restores to us the joy of salvation. और जब हम ये जान लेते हैं कि प्रभु ने मुझे अपने लहू से धो दिया है, तो वो दुबारा जो खोया हुआ आनंद है, फिर से हमारे को मिल जाता है. Peace and joy are the opposites of the effects of guilt. और इस शांति और आनंद जो हमारे हृदय में आ जाता है, ये इस जो आत्मगिलानी है, उसका विपरीत है. The effect of guilt is weakness. और ये गिलानी का जो प्रभाव होता है वो होता है कि हमारे अंदर कमजोरी आ जाती है The David says in Psalm 31 verse 10, my strength fails me because of my guilt. जैसे दाऊद भजन 31:10 में कहता है कि मेरे पापों के कारण से मेरी सामर्थ्य जो है कमजोर हो गई मैं कमजोर हो गया हूं But the guilt is removed. और जब उसका ये आत्मगिलानी उसके अंदर से चले गया उसका पाप चला गया उसके अंदर the opposite of weakness with the strength. कहता है कि वो उसके उसका विपरीत हो जाता है उसके अंदर सामर्थ्य आ जाती है Because we know that we are strong in the Lord, not in ourselves. क्योंकि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर में सामर्थ्य हैं अपने में हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है Sin leads to guilt, guilt leads to weakness. और पाप जो है गिलानी को लाता है और गिलानी की वजह से हमारे अंदर कमजोरी आती है When sin goes, चला जाता है guilt goes, चली जाती है weakness goes. कमजोरी भी चली जाती है Then we become strong in the Lord. और फिर हम परमेश्वर में मजबूत हो जाते हैं By the word, by the spirit, we become strong in the Lord. आत्मा से परमेश्वर के वचन के द्वारा से हम परमेश्वर में सामर्थ्य हो जाते हैं And when you're strong in the Lord, the devil is scared of us. और जब हम परमेश्वर में मजबूत हो जाते हैं शैतान हमसे भय खाने लगता है He will try to put guilt so that we lose our strength and become weak and have guilt. वो चाहे कोशिश करता है कि हम अंदर फिर से गिलानी लाए ताकि हम कमजोर हो जाएं और परमेश्वर से दूर हो जाएं। Don't listen to the devil. Don't get wallow in self-pity. इसलिए शैतान की ना सुने अपने ऊपर दया वाला पात्र ना बना ले अपने आप को I actually know some Christians who tell me, I know God has forgiven me of my sins, but I can't forgive myself. मसीह भाई जानते हैं बताते हैं उनके बारे में वो कहते हैं कि मैं जानता हूं प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप क्षमा कर दिए पर मैं अपने पापों को खुद कैसे क्षमा करूं
But forgiveness is received by faith and in simple humility. और ये जो पापों की मुक्ति है, माफी है, ये साधारण विश्वास से है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो हम करते हैं। When people tell me, I know God has forgiven me, but I can't forgive myself, I tell them, are you more righteous than God? जब लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने तो मुझे क्षमा कर दिया है, मैं जानता हूं, पर मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता, तो भाई उनसे पूछते हैं, क्या तू प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा धर्मी है? He has forgiven you, accepted. He's the only one with the right to, you know, actually judge us. But he says, I have forgiven you. प्रभु ने आपको कहा कि मैं तुम्हें माफ कर दिया, उसको स्वीकार करो, वो तुमसे धर्मी है, वो खुद तुम्हें माफ कर रहा है। So we have to learn to forgive our own selves and forget not and remember not our sins. तो हमें अपने आप को माफ करना और अपने पापों को दोबारा स्मरण नहीं करना, ये सीखना है। Then instead of guilt, we manifest the peace and the joy of the Lord. तो फिर हमारे अंदर वो आत्मिक गिलाने की जगह हम परमेश्वर की शांति और आनंद का अनुभूति करते हैं। Yes, godly sorrow definitely God gives us, and that only makes us repent and leaves no regret. एक परमेश्वर की ओर से हमारे अंदर पछतावा और दुख आता है, वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि उससे हम जो है अपने पापों को मानते हैं और उस अपने पछतावा करते हैं। Regret is a manifestation of guilt. और हम जब पछतावा करते हैं, ये गिलानी का एक फल है। But peace is a manifestation of repentance and receiving the forgiveness of God. पर शांति जो है वो उस चीज का प्रमाण है, उस चीज का फल है जब हम अपने आप को मान लेते हैं, अपने पापों को, अपने विवेक को शुद्ध कर लेते हैं। Not only we should forget our sins against which we have committed, we must forget other people's sins against us also. हमें ना केवल अपने पापों को ही भूलना है, माफ कर, परमेश्वर ने माफ किया उसको हम भूल जाना है, बल्कि जो लोग, दूसरे लोग हमारे विरोध में करते हैं, उनको भी हमें माफ करना है। So God has called us to live a guilt-free life. परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम निर्दोष जीवन जिए। Much before Christ entered the world, David called upon Christ, was healed of sin and guilt, the guilt of sin. इससे बहुत पहले कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आते, दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगी और वो अपने पाप से और उस दोषी विवेक से दोनों से शुद्ध हो गया। 2000 years after the act of death on the cross, why we have been guilt? 2000 साल पूर्व यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारी जान दे दी, फिर क्या कारण है कि हम अभी भी उस दोषी विवेक को लेकर चलते रहते हैं? But as I said earlier, forgiveness has to be received by faith. पहले ही बताया कि ये जो पछताव, ये छुड़ौती है पापों की, माफी जो है, ये परमेश्वर की ओर से है और इसको हमें विश्वास से स्वीकार करना है। And even we forgive other people by faith. और हम दूसरे लोगों को भी विश्वास से ही माफ कर सकते हैं। That's why when the Lord told the apostles to forgive 7 times a day, they respond by saying in Luke 17:5, increase our faith. और जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह में बोला कि भाई अपने दोषियों को 7 गुना 70 गुना माफ करो, तो चेले जो है लूका 17:5 में कहते हैं, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। We receive our own forgiveness by faith and we forgive others by faith. हम अपने पापों की माफी विश्वास से पाप करते हैं और हम दूसरों को भी विश्वास से ही माफ करते हैं। That's why Christian life is by faith. इसलिए मसीह जीवन विश्वास का जीवन है। May God bless us as we choose to live a guilt-free life and have peace and joy in our hearts as compared to guilt in our hearts. परमेश्वर हमारी सहायता करे, अपने वचन पर आशीष दे कि हम उसके हमारे हृदय में परमेश्वर की शांति और आनंद बना रहे और परमेश्वर जो दोष है और विवेक में हमारे गिलानी है उसको हम हटा सके।